यहाँ धनराज सेठ अपनी पुत्रवधु के विचित्र उत्तर सुनकर तथा उनसे अपना अपमान समझकर पुत्रवधु से बोला, मूर्ख पागल, तूने तो मुनिराज के सामने मेरे पूरे परिवार की नाक काट दी। तूने आज पागलपन में सारे उत्तर मूर्खता से देकर परिवार का अपमान किया है, इसलिए तू इसी समय मेरे घर से निकल जा। जैन डिजिटल पाठशाला। हमारी आयु कितनी है? अभयनंदी मुनिराज का धनराज सेठ के यहाँ सानंद आहार हुआ। आहार के बाद मुनिराज चौकी पर बैठ गए। सेठ की पुत्रवधु ने हाथ जोड़कर महाराज से सविनय प्रश्न किया, इतने सवेरे सवेरे कैसे? मुनिराज ने विद्वतापूर्ण प्रश्न के भाव को समझकर उत्तर दिया, समय की खबर नहीं। बेटी, तेरी आयु कितनी है? 3 वर्ष। तेरे पति की आयु कितनी है? 1 वर्ष। तेरी सास की आयु कितनी है? 6 माह। और तेरे ससुर की आयु? वे तो अभी पैदा ही नहीं हुए। बेटी, ये सब ताजा खा रहे हैं या बासा? अभी तक तो बासा ही खा रहे हैं। इतनी चर्चा के बाद अभयनंदी मुनिराज जंगल की ओर चले गए। यहाँ धनराज सेठ अपनी पुत्रवधु के विचित्र उत्तर सुनकर तथा उनसे अपना अपमान समझकर पुत्रवधु से बोला, मूर्ख पागल, तूने तो मुनिराज के सामने मेरे पूरे परिवार की नाक काट दी। तूने आज पागलपन में सारे उत्तर मूर्खता से देकर परिवार का अपमान किया है, इसलिए तू इसी समय मेरे घर से निकल जा। पिताजी, मैंने सारी बातें सच और सम्मान सूचक कही हैं। आपको विश्वास न हो तो मुनिराज से पूछकर ही निर्णय कीजिए। तब सेठ ने मुनिराज के पास जाकर इन गूढ़ बातों का मतलब पूछा। सेठ जी, आपकी पुत्र बहू तो बड़ी होशियार है। महाराज सवेरे सवेरे कैसे, अर्थात आपने इस छोटी सी उम्र में मुनिव्रत क्यों ले लिया? जिसका उत्तर मैंने दिया था कि समय की खबर नहीं, अर्थात समय का भरोसा नहीं। तुम्हारी बहू ने 3 वर्ष से और तुम्हारे पुत्र ने 1 वर्ष से ही धर्म पहचाना है और धारण किया है, इसलिए उनके जीवन केवल 3 और 1 वर्ष के हैं। तुम्हारी पत्नी के जीवन में 6 माह से धर्म आया है, इसलिए उसकी आयु 6 माह की है, जबकि तुम्हारे जीवन में धर्म ने अभी जन्म ही नहीं लिया, तो तुम पैदा हुए ये कैसे कहला सकते हो? अच्छा, तो फिर ये बासा भोजन का मतलब क्या है? हम तो ताजा ताजा भोजन करते हैं। हाँ हाँ, बासा भोजन मतलब पूर्व पुण्य। तुम पूर्व पुण्य का मात्र फल भोग रहे हो, वर्तमान में कोई अच्छे कार्य नहीं कर रहे हो। बस सेठ जी को जीवन का रहस्य मिल गया और साथ ही बहू के उत्तरों का सही समाधान। इसलिए यदि जीवन की उम्र बढ़ानी है तो धर्म को आत्मसात करना होगा। हमारी स्वयं की आयु कितनी है या हम भी अभी जन्मे ही नहीं, ये देखना होगा। जीवन के उन मूल्यों से परिचय प्राप्त करना होगा जो वस्तुतः मनुष्य को ऊपर उठाते हैं। जय जिनेंद्र।